हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद और आप सभी को अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको प्रयागराज में 10 सबसे अच्छा घूमने जगह बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित प्रयागराज में घूमने की जगह बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक आकर्षक पर्यटन स्थल देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को मन मोह लेते हैं। गंगा नदी के तट पर स्थित यह शहर हिंदुओं के धार्मिक आस्था में बहुत महत्व रखता है। यह शहर देश के उन 4 प्रमुख राज्यों में से एक है जहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। हर 12 साल में महाकुंभ और 6 साल में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं तो अर्ध कुंभ मेला लगा हुआ है, 6 जनवरी से 18 फरवरी तक का मेला है। अगर आप जाना चाहें तो जरूर जाएं। यह शहर अपने आप में एक गौरवीय इतिहास को दर्शाता है। हर साल देश और दुनिया से यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। यहाँ पे आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रयागराज में 10 घूमने की जगह के बारे में। नंबर 1, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम प्रयागराज के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है, जो कि एक बहुत ही पवित्र स्थान है। यह स्थान प्रयागराज में सिविल लाइन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसको देखने भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। यह स्थान 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन बिंदु है। इस स्थान पर हर 12 साल में पवित्र कुंभ मेले का आयोजन होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। नंबर 2, अक्षयवाट। अक्षयवाट एक प्राचीन वृक्ष है जो कि इलाहाबाद किले के अंदर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि यह वाट वृक्ष त्रेता युग से इसी रूप में जीवित है। अगर आप प्रयागराज की यात्रा कर रहे हैं तो अपनी प्रयागराज यात्रा के दौरान इस वट वृक्ष को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। नंबर 3, बड़े हनुमान जी मंदिर। भगवान हनुमान जी को समर्पित यह एक खूबसूरत प्रतिमा जो हिंदुओं की धार्मिक आस्था में काफी महत्व रखती है। त्रिवेणी संगम घाट पे स्थित यह प्रतिमा आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करती है। अगर आप भी धार्मिक आस्था रखते हैं तो इस प्रतिमा को देखने जा सकते हैं। नंबर 4, यमुना नाव की सवारी। यमुना नदी में नाव की सवारी का आनंद उठाना प्रयागराज के सबसे प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यहाँ पर रंग बिरंगी नाव की सवारी करना आपके लिए अद्भुत अनुभव होगा। नैनी ब्रिज के पास में नाव की सवारी का आनंद उठाने काफी संख्या में लोग आते हैं। अपने प्रयागराज यात्रा के दौरान नाव की सवारी का आनंद उठाना ना भूलें। नंबर 5, तारामंडल। तारामंडल भी प्रयागराज में घूमने की जगहों में से एक शानदार जगह है, जो आनंद भवन के बगल में स्थित है। 1979 में बनाए गए इस तारामंडल को जवाहर संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर आप जुपिटर और चंद्रमा पर खड़े होने का अद्भुत अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यह एक चंद्रमा मंडल को पेश करता है। नंबर 6, प्रयागराज किला। प्रयागराज का किला प्रयागराज का एक बेहद लोकप्रिय ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, जिसका निर्माण 1583 में किया गया। यह किला गंगा और यमुना नदी के संगम तट पर मौजूद है। यह किला अपनी भव्यता के कारण यह आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेता है। इतिहास प्रेमियों के लिए यह किला शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हालांकि यह किला आम लोगों के लिए बंद रहता है, हर 12 साल में आयोजित होने वाला कुंभ मेले के दौरान ही इस किले को आम लोगों के लिए खोला जाता है। नंबर 7, नैनी ब्रिज। नैनी ब्रिज प्रयागराज के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शामिल है, जो कि एक लोकप्रिय सेल्फी पॉइंट है। शाम के समय यमुना की लहरों के साथ फोटोग्राफी करने और अपने परिवार या दोस्तों के साथ टाइम बिताने के लिए काफी संख्या में पर्यटक आते हैं। नंबर 8, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ प्रयागराज टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक लोकप्रिय आकर्षक डेस्टिनेशन है, जो प्रयागराज किले के बाहर स्थित है। 16वीं शताब्दी के इस स्तंभ के बाहरी हिस्से में ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिला लेख है। काफी संख्या में पर्यटक इस प्राचीन आकर्षक संरचना को देखने आते हैं। नंबर 9, नाग वासुकी मंदिर। नाग वासुकी मंदिर प्रयागराज के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जो नाग देवता को समर्पित है। यहाँ पर नागों के देवता नागराज विराजमान है। यह मंदिर भी हिंदुओं की धार्मिक आस्था में बेहद महत्व रखता है। अपने प्रयागराज यात्रा के दौरान इस मंदिर में दर्शन करने जरूर जाए। नंबर 10, सोमेश्वर महादेव मंदिर प्रयागराज के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक, जहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर
यमुना नदी के तट पे स्थित है। इस मंदिर को शिव कुटी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे प्रयागराज के 10 सबसे अच्छा घूमने की जगह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।